इलाके दे लोकां नूं एक तरह की ये चीज़ की लोड़ भी सी। मैं समझदा छल्ले नाल जुगनी अटैच हो गई नी तू विछड़न विछड़न कर दी जदों विछड़ेंगी पता लग जाऊगा जो तक नचेगी मैं बाहर ही जाऊंगा नोट तेरे जीजे दा ए दिल दरिया साली आजा भाईचारा भी है भगवंत मान बिल्कुल जी बिल्कुल साडा कलाकार भाईचारा है सीएम साहब तो पहला साढ़े भरा ने कलाकार भरा ने साढ़े सतवान साहब अज इतने कराली एस पी सी जिहड़ा ग्रुप हैगा उन्होंने केक स्टूडियो खोलिया बहुत तेरे पिछों रो रो के मर जाऊंगी मैं ऐदा ना नाराज होके जा सुनिया। मैं राजीत मान साहब थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया तुम सानूं इन्ना टाइम दिता भावें चाह नहीं तुम पिलाई कोई गल नहीं भी आते साढ़े मैक मूहरे करते भी हाँ भी इंटरव्यू कर आवाज़ नूं पसंद कर रहे तुहाडे गीतां नूं पसंद कर रहे जरूर सुनाउने धमान साहब का हुक्म है तो असीं इदां कर सकदे दिल दे फ्रेम विच जड़ी पई है अखां नाल खिच्ची तस्वीर जट्टी दी। सत श्री अकाल जी मैं अमरजीत धमान तुसी देख रहे हो ए धमान चैनल। सो अज असी मौजूद हैं एस बी पी ग्रुप जो कि खरड़ तो जदों आपां कुराली नूं जाने हैं मेन रोड ते यह बनी है बिल्डिंग जो कि अपने समीक्ष गौतम जी ने दो भरा केक स्टूडियो दी केक स्टूडियो है समीक्ष गौतम जी। सो उन्होंने इत्थे अपना बिजनेस खोलिया है जो केक दा ते इत्थे उन्हां दा उद्घाटन हो रहा अज। सो असी इस उद्घाटन ते मौजूद हैं तो इत्थे साडे परम मित्र चंगे चंगे सिंगर ने जो वो भी इत्थे आए हुए ने आपां उन्हां दे नाल भी गलबात करांगे अते नाल ही आपां समीक्ष गौतम जी के नाल भी गलबात करते हैं तो आओ दिखाने तुहानू इत्थों दीआं झलकियां। सो देखण लई बने रहो साडे चैनल दे नाल। सत श्री अकाल जी मैं अमरजीत धमान तुसी देख रहे हो ए धमान चैनल। एस बी सी ग्रुप जो कि खरड़ तो कुराली नूं जांदे होए मेन रोड दे उत्ते आ सो इत्थे दा स्टूडियो केक जो कि अपने समीक्ष गौतम जी ने उन्होंने इत्थे अपने इस केक स्टूडियो का उद्घाटन किया है तो अज इत्थे चंगे चंगे कलाकार भी पहुँचे ने सारे जो कि साढ़े परम मित्र भी ने ते समीक्ष भी साढ़े एक दोस्त ने आपां इन्हां दे नाल गलबात कर रहे हैं। हाँ जी समीक्ष जी साढ़े ए धमान चैनल विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अज मैं पहला तो सब नूं पहला अपने पत्रकार भाईचारे नूं सब नूं जी आया आखदा कि जिन्हां ने अपने बेशकीमती टाइम विचों साढ़े लिए टाइम कढ़िया ते असीं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। सो पहला भी तुहाडा एक केक स्टूडियो चल रहा कुराली दे विच ऑलरेडी सो अज तुसीं इह नवा इत्थे खोलिया जो खरड़ रोड दे उत्ते सो किन्नी क खुशी महसूस हो रही है तुहानू इस जी? खुशी तो देखो परमात्मा ने दात बख्शी है तो परमात्मा ने ड्यूटियां लाइया हुई थोड़ी सेवा च हाजिर है। सब नो वड्डी गल है कि साडा इह सीगा कि असीं एगलेस चेन शुरू करना चाहते हैं जिथे मोस्ट ऑफ द बेकरीज नहीं प्रोवाइड करदियां तो साढ़े को आके मोस्टली एगलेस कस्टमर आते हैं तो वह बिना बेझिझक कोई भी तरह का इत्थे केक पेस्ट्री ड्राई केक है कुछ भी खा सकते हैं तो विदाउट एनी हैजीटेशन कि ये अंडा पैंदा या नहीं पैंदा बिकॉज सारा कंसैप्ट ही वेज है टोटली वेज जी। हाँ जी
सो केक तो अलावा अपने को होर की आइटम सर साड़ी को सारी जड़ी इंपोर्टेड गिफ्टिंग रेंज हैगी है चॉकलेट्स हैगी हैं बीवरेजेस हैगी हैं फ्लावर बुकेज हैगी हैं ते असी स्पेशली बैलून की डेकोरेशंस वाला भी टाई अप कराया हैगा जो किसी का स्पेशल ओकेजन है ते वो भी साड़ा टाई अप होएगा असी घर जाके एज पर ओकेजन उत्थे जाके उन्होंने जो थीम हैगी है वो डिजाइन कर करेंगे जी। सो अगर किसी ने यह मतलब कि घर केक डिलीवरी मंगवानी होगी वह भी हो जाती है? हाँ जी हाँ जी साडा जोमैटो स्विगी नाल टाई अप है जी तो जसजाल से असं अवेलेबल है गूगल इंस्टा फेसबुक सब तो असं अवेलेबल है तो जिनी डिलीवरी सिस्टम जो जोमैटो स्विगी के थ्रू प्रोसैस चल रहा है जी उस असं फॉलो करा जी। हाँ जी सो अपना नंबर भी मैनशन कर दो जो किसी को लोड़ हो तो तक कंटैक्ट कर सकते। हाँ जी 9988770051 ये मेरे भरा अरुण गौतम का नंबर है जी तो 9878140548 ये मेरा नंबर है जी इतने तो कदों भी वर्किंग आवर्स जोड़े है 11 to 10 हाले फिलहाल असी ए स्टोर टाइमिंग्स रखे ने तो विद द पैसेज ऑफ टाइम असी थोड़ी जी जिमें परमिशन लेनी है साडा एक हैगा इतने का कंसैप्ट कि असी मे बी 12 PM तक खोल के रखा क्योंकि 12 बजे राती मिडनाइट डिलीवरी लिए बहुत कॉल्स आ रही होने तो सो असी वो मैनेज करने की कोशिश करा विद द पैसेज ऑफ टाइम जी। सो की कहना चाहते हो होर अपने दर्शकों ने? बस जी दर्शक की सारे अपने भाई ने बजुर्ग ने भैन ने हाँ जी जो कस्टमर ने बस जरूर विजिट करो जी ठीक है असी थोड़ी सेवा च हाजिर हाँ हर टाइम तो असी हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि थोड़े प्यार की सानू जिमें पहला बरसात हुई है हूँ भी उमें ही सानू थोड़े प्यार की लोड़ है असी कुछ हट के करना चाहते सी कि सानू उम्मीद है कि थोनू कबूल होएगा तो तुसी प्यार दोगे। थैंक यू धन्यवाद। इतने पहुंचियां जो शख्सियत साढ़े बहुत ही परम मित्र सतविंदर बुग्गा जी जो कि एक नामवर कलाकार ने सिंगर ने सो जो किसी जान पहचान दे मुहताज भी नहीं सो आपां उन्हां दे नाल भी गलबात करते हैं तो की कहिंदे ने? हाँ जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी तिमान साहब। हाँ जी सो अज तुसीं इस उद्घाटन ते आए हो सो दो शब्द की कहना चाहुंदे हो समीक्षी जी बारे? देखो जी मैं समीक्ष नूं बहुत देर तो जानदा हां इन्हां दे डैडी इन्हां दे ताए इन्हां बहुत साढ़े पुराने रिश्ते ने और इन्होंने कुराली दे नाल नाल इत्थे खरड़ दे विच भी अपना यह जिहड़ा बिजनेस मैं समझदा कि स्टार्ट किया बल्कि बिजनेस दे नाल नाल मैं ये भी कहूँगा कि इलाके दे लोकां नूं एक तरह की ये चीज़ की लोड़ भी सी मैं समझदा सो अपना इन्होंने जिहड़ा नवां काम स्टार्ट किया मैं अपने वल्लों इन्हां नूं दोवें भरावां नूं बहुत बहुत वधाई देना जी। सो साढ़े चैनल वालों तो मेरे वालों भी इन्हों बहुत बहुत बधाई क्योंकि असं भी इतने इनवाइट हैं। सो एक गल होर है बुग्गा भाजी कि अपने जो गाने तो बहुत आए हैं ठीक है जी बेशुमार आए हैं तो थोड़ा जहा दर्शकों कुछ सुना भी देवो तो बड़ी वधिया गल बिल्कुल जी स्रोतिया का प्यार इस तरह बनया रहे जिमें हर एक आर्टिस्ट है वह अपने अपने ढंग दे नाल वक्खो वक्खरे गीत गाउंदा रहा सो मैं जे सामने नज़र आउंदा होवे कि बंदा कहे ना आ गीत सुना दे फिर एकदम सुना दी दे सो अपने विचों लभना औखा जदों किहड़ा सुनाया जावे या कोई ओकेजन होवे एक मैं गीत गाया सी अज दे युग दा गीत है नट्टे उत्ते बैठे सीगे जुगनी ते छला जुगनी भी कली सी ते छला भी सी कला फिर हैलो हाए ओ फिर हैलो हाए फिर हैलो हाए विच शुरू चैट हो गई यारो छले नाल जुगनी छले नाल जुगनी अटैच हो गई यारो छले नाल जुगनी अटैच हो गई। वाह जी वाह सो बहुत वधिया। सो एक अपनी शुरुआत तो चलो बहुत देर पहला हुई सी ते उस तो बाद एक विछड़न विछड़न कर दिए जो एक चर्चित गीत बनया सो जो पूरे वर्ल्ड दे विच घूमया ओदे दो बोल। बिल्कुल जी बिल्कुल इस गीत नाल मेरी पहचान बनी है एक दूजे ताई मिलने नू जदों तड़फेंगी पता लग जाऊगा नी तू विछड़न विछड़न कर दीए जदों विछड़ेंगी पता लग जाऊगा विछड़न विछड़न कर दीए जदों विछड़ेंगी पता लग जाऊगा हाय नी मर जानी है हाय नी डूब जानी है हाय नी मर जानी है हाय नी डूब जानी है।
वाह जी वाह, सो बहुत वधिया। सो की दर्शकों को की कहना चाहते हो, जो नवी जनरेशन है उन्होंने की सुनेहा? देखो जी, नवी जनरेशन तो साढ़े नाल बहुत अगे है। सोशल मीडिया का अजकल युग है, डिजिटल युग है, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने, सो हर जगह जड़े है यंगस्टर साढ़े तो बहुत ज़्यादा अगे ने। पर फिर भी यह है, मैं यही कहूँगा कि अपने विरसे दे नाल तुसी जुड़े रहो, पंजाबी मां बोली नू प्यार करो। थैंक यू। साढ़े नाल बहुत ही वधिया सिंगर ते साढ़े परम मित्र भुपिंदर गिल जी, सो आपां इन्हां दे नाल भी गलबात करते हैं ते की इन्हां दा कहना। हाँ जी, साढ़े चैनल दे विच बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा भुपिंदर गिल जी। हाँ जी, हाँ जी तमान जी, पहली गल फस्ट टाइम आपां थोड़े चैनल ते अज रूबरू होए हां, ते मैं सारे नूं सुनण वाले नूं देखण वाले नूं बहुत बहुत मुबारकां दिंदा। ते साढ़े मुक्ता विकर अज असीं इत्थे शॉप का उद्घाटन होया खरड़ दे विच, जिवें तुहानूं पता ही है, ते सारे भरा इकट्ठे होए इत्थे। सो मैं बहुत बहुत मुबारकां दिंदा, ये जिहड़ी शॉप है शोरूम का उद्घाटन है, परमात्मा की दुआ करते हैं दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। दोनों भरावों मुक्ता ब्रदर असं बहुत बहुत मुबारकां दिंदे, साढ़े अरुण ते सुमीर दोनों बहुत बहुत बधाई, ते नाले तुहाडे चैनल बहुत बहुत मुबारक जी। सो बहुत ही अच्छे तुसी गायक तो है ही, ठीक है, सो बड़े पॉपुलर तुहाडे गीत हैं, सो दर्शकों नूं एक गीत भी सुना दो बोल, क्योंकि हर दर्शक ये चाहता है कि असी भुपिंदर गिल जी नूं देख रहे हैं ते उन्हां दे जवान तो कुछ गीत भी सुन लीए। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्यों नहीं, मेरे सारे गाणियां नूं बहुत ज़्यादा तुसी प्यार करते हो, जिवें कि बटुआ छण छण, सो बटुए दे पा चार बोल अपने देखण वाले दे असी रूबरू करते हैं। हो झोने की ट्राली सिटी मंडी च सवेरे मुक दे ना नोट पे बैंकों च बथेरे, मैनू साले दे विआह दा पूरा चाह साली, आओ जदों तक नचेंगी मैं बाहरी जाऊंगा नोट तेरे, जीजे दा ए दिल दरिया साली आजा। वाह जी वाह। सो ये भुपिंदर गिल जी साढ़े बहुत ही परम मित्र ने, ते हुण दर्शकों नूं भी कोई सुनेहा दे दो कि जो नवी जनरेशन भी है बड़ी एडवांस है, उहदे बारे भी दस दो दर्शकों नूं। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों नूं दसना चाहुंदा, हुण वड्डी गल इह है वी तुसीं अपनी सरकार बदल गई है जी। हाँ, जिथे कि साढ़े बड़े वीर भगवंत मान जी आम आदमी पार्टी दे साढ़े पंजाब दे सीएम बने ने, सो जिन्हें भी साढ़े सीएम बने हैं साढ़े भरा, क्योंकि मान साहब ने कहा सी आपां सारे ही सीएम बन रहे हैं, सो मैं तां कह रहा मान साहब नूं बहुत बहुत मुबारकां दिंदे हां। जिन्हें साढ़े 92 MLA बने हैं उन्हां नूं भी सारे नूं बहुत बहुत मुबारकां, जिहड़े भी पंजाब दे कोने कोने च बने हैं। सो नवीं सरकार तों सानूं बहुत आसां ने, उम्मीद है ये आम आदमी पार्टी लोकां दी सोच ते खरी उतरूगी जी। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ MLA ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਡਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੱਬ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਰ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸੂਰਾਪੁਰੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਾਨ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਧਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਲੀ SPC ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਕ ਸਟੂਡੀਓ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਲੀ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ है ना, यूथ नूं अट्रैक्ट करने वाला कंसैप्ट हैगा है। सो चंगीयां चीज़ां आनियां चाहिए, चंगे प्रोडक्ट आने चाहिए मार्केट। सो सारे ग्रुप नूं मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना। हाँ जी, सो एक गीत भी हो जाए। चलो गीत सुना देना। मैं तो एवें आखिया सी मिल नहीं होना, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਊਗਾ ਸੋਹਣਾ, ਨਿੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਐਡੀ ਏ ਸਜ਼ਾ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਨਾ ਛੁਡਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਂ, ਐਦਾਂ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ?
ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਬਦਲਿਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਰਹੋ। ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਰ ਜੈਲੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਉਦਘਾਟਨ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੈਲੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਰਾਜੀਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਲਾਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਕ ਮੂਹਰੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਮੁਕਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਕ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਕੋਕ ਅਤੇ ਕੇਕ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆਇਆ ਨਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਕੇ ਸਮਝਦੇ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀ, ਕਰਾਲੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਰੜ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਾਈ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਟੋਰ ਕਰਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਖਾਵਾਂਗੇ ਪੀਵਾਂਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਭਾਗ ਦਾ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਗੌਤਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਬੜੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਗੀਤ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾ ਦਿਉ। ਗੀਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਜੇ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੀਤ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜੈਲੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋ ਦਿਲ ਦੇ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਜੱਟੀ ਦੀ, ਸੰਗ ਦੇ ਸੰਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਇੰਜ ਲੜ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਹੀਰ ਜੱਟੀ ਦੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਜੱਟੀ ਦੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੀਤ ਸੁਣੋ, ਚੰਗੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਛੋਟੇ ਹਾਂ ਹਲੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਜੈਲੀ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।